वेलकम टू माई चैनल प्रिया पब्लिक जॉब अड्डा। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बिहार पुलिस का बेसिक से कैसे स्टडी किया जाए, मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और रेलवे SSC GD पे भी स्पेशल वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग वीडियो को वॉच किया कीजिए। ऐसे बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, काफ़ी कॉमेंट आ रहा था कि कटअप पे वीडियो बनाया, तो देखिए कटअप पे वीडियो बनाई है मैंने, कटअप पे भी वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। देखिए जब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो जाएगी तब तक 21,391 पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं सारे स्टूडेंट परेशान होंगे। लेकिन मेरा सजेशन है, मेरी एडवाइस है कि आप लोग परेशान ना हुए और आप लोग आगे जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी करें। अगर आपके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं तो बेफिक्र होकर आप फिज़िकल का तैयारी कीजिए। 100% कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। आदमी मैं जब फिज़िकल दे दी थी 11,880 में, तो मुझे पता नहीं था मेरा रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा। मुझे 68 ही मार्क्स थे और OBC गर्ल्स का फिज़िकल का कटअप 68 ही गया था। 8,415 में भी 68 गया था, जबकि कम सीट थी तो भी 68 गया था। जनरल के बाद जो EWS होते हैं उनका तो 64 ही गया था। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी रिटर्न का भी, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप लोग देख रहे हैं ना। मैं तो कहती हूँ जनरल जो बॉयज़ है ना, अगर उसको 60 है ना, 55 से 60 के बीच है, तो उनको फिज़िकल कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए। दर्शक पैदा हो गया भाई साहब, दर्शक तो दशहक होते ना, दशहक होते हैं ना, मतलब डर कि एग्ज़ाम में जाएंगे सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं सारे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाई को खींच रहे हैं, उससे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नौकरी नहीं करना है, अच्छे खासे पापा का पैसा आपको मिल रहा है खर्च करने के लिए, तो एग्ज़ाम में ना ही भाग लेना तो बेटर रहेगी। उससे क्या फ़ायदा होगा ना, कि जो स्टूडेंट को सिलेक्शन चाहिए, जो स्टूडेंट बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फालतू का भीड़ ना बढ़ाएं, भीड़ में पहचान नहीं मिलती है यार। तो खैर, बिहार पुलिस जो स्टूडेंट कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं कितना कट ऑफ जाएगा, बहुत ज़्यादा कमेंट आया। एक दीपू भैया का कमेंट था कि मैम प्लीज़ आप वीडियो बनाती है ना तो संतुष्टि मिल जाती है, कि क्योंकि आप फिज़िकल दी हैं, रिटर्न पास की हैं, तो इस वजह से आप वीडियो बना के रोज़ अपलोड किया कीजिए। आपकी वीडियो रात को देख के सोते हैं, ताकि सुबह रात में नींद अच्छे से नहीं आती है। घर की जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है, तो जिम्मेदारी सबको है। मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, मैं इंस्टा है, फेसबुक तो मुझसे पैसा आते नहीं, इंस्टा से भी पैसे नहीं आते, यूट्यूब से 4-5 महीने में आ जाती है, लेकिन सबको पता है कि बहुत पैसा आते हैं, तो मैं सबको बताती नहीं ना जाऊँगी। पता है कहते हैं ना ये लड़की पागल है, आप ही बताओ मैं पागल हूँ यार, कुछ भी कमेंट कर देते, बट कोई नहीं, दिल पे नहीं लेते हैं। कहते हैं ना हाथी चले बाजार तो कुत्ता लागे हजार, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। खैर, जो स्टॉक पे भी जाने का मैसेज आया था, मैं ज़्यादा टॉपिक से भटकूंगी नहीं, लेकिन मैं उन स्टूडेंट को अलर्ट करूंगी कि जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेनी है। इस बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया, नेक्स्ट वैकेंसी में तो अच्छा परफॉर्मेंस जाएगी ना, तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। फिज़िकल को भी पढ़ाई को साथ साथ करिए, साथ साथ आप कर सकते हैं। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ बहुत करीब से, जो एक गिलास पानी भी नहीं अपने से लेके पीती थी, आज वो फिज़िकल कर रही है, पढ़ाई कर रही है, खाना बना रही है, खुद का ख्याल रख रही है। तो आप समझ सकते हो, बहाना मत बनाइए। आप लोग का बहुत कमेंट आता है कि आप ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ वीडियो बनाती है, हमारे लिए अपलोड करती है, हम लड़कियों को मनोबल बढ़ाती है। मैं तो लड़की से यही बोलूँगी कि जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाओ ना, तब तक आप शादी का ख्याल मन में मत लाओ, शादी का ख्याल मत लाओ। मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया था, जैसे मेरा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, तो मेरा मन में ख्याल आता यार जाओ सब छोड़ के जाओ। पैसा मानते हैं, अकेलापन दूर नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है ना, जाओ किच किच करने से, खिचड़ी पकाने से अच्छा है कि सब अलग हो जाओ। और मैं पैसा कमाते यार ज़िंदगी गुजार लेंगे, ये थोड़ा देर के लिए ख्याल आता है। लेकिन अगर एक हाउसवाइफ के मन में हाउसवाइफ का झगड़ा हो गया, जो हाउस गर्ल है झगड़ा हो गया, तो वो यही सोचेगी मेरा इनके अलावा कोई सहारा ही नहीं है, मेरा इनके अलावा कोई सहारा ही नहीं है, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा।
और अक्सर जब गांव में लड़ाई होता है तो कहते हैं कि मैं एक पेट में खाता हूँ, पेट में खाते हैं, बच्चा पालते हैं, घर का ख्याल रखते हैं। आपको पता है मेरी सैलरी अभी 38,000 समथिंग है, चरमा पेमेंट है, वर्दी भत्ता है, और फिर एरियल वरियल जुड़ के आती रहती है, एरियल सब जुड़ के आती रहती है। तो पैसे मैं खुद पे कितना खर्च करती हूँ, 10,000, 12,000, 15,000, और पैसे तो मैं घर ही देती हूँ ना। मेरे पापा इतना कुछ किए, हम लोग को पढ़ाए लिखाए, स्ट्रगल किए, जैसे तैसे पढ़ाए लिखाए, घर बनाए, गाड़ी खरीदे, जितना अच्छी लाइफ दिए, तो वो भी तो खुद के पेट के लिए ही कमाए ना, खाने के लिए। तो ये सब भावनाएं मत रखिए कि यार पेट में खाते हैं। एक आदमी का खाना खर्चा आप समझते हो 10,000, 12,000, खर्च का अंत नहीं है, लेकिन हम मिडिल क्लास वालों का खर्चा बता रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट, मेरी बहन बाहर में पढ़ती है, तो 7-8 हज़ार उसका खर्च है। तो मैं यही बोलूँगी, कट ऑफ को लेकर ज़्यादा टेंशन ना ले, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, बहुत कम जाएगी। तो पढ़ाई को जारी रखें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो वीडियो का कमेंट कर दीजिएगा।